बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की पहली इंडो अमेरिकन फिल्म हरामी मुंबई में रहने वाले अनाथ बच्चों पर आधारित है। ये अनाथ बच्चे जेब कतरों के गैंग में काम करते हैं और रोज किसी न किसी की जेब काटकर अपनी जीविका चलाते हैं। इस फिल्म की स्टोरी को श्याम मोदी राजू ने लिखी है और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया है। टाइगर 2014 के लिए ऑस्कर विनर डेनिस टेनोविच के साथ काम करने के 6 साल बाद अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में इमरान हाशमी ने वापसी की है। इस फिल्म की कहानी हमें मुंबई की झुग्गियों में ले जाता है और ये दिखाता है एक गैंग का सरगना छोटे बच्चों को पॉकेट मार बनाकर उनसे जबरदस्ती पॉकेट मारी का धंधा कराता है और पैसे कमाता है। किशोर अपराध और टूटी हुई नियति की तेज गति को दिखाता है ये फिल्म। ये एक शहर की जीवंत और अराजक पृष्ठभूमि के खिलाफ है जो कभी रुकता नहीं है। कलाकार रिजवान शेख को बचपन के रूप में दिखाया गया है जो उमा का किरदार निभा रहे हैं। पॉकेटमारों के नेता धनश्री पाटिल का खास है। एक बेहतरीन कहानी, संदेश और उदाहरण रखने के लिए मैं इस फिल्म को 10 में से 10 की रेटिंग दूंगा। फिल्म का संगीत भी काफी अच्छा है जो कहानी के हिसाब से बहुत सही है। सभी आर्टिस्ट का काम बेहतरीन है और आपको ये फिल्म काफी सालों तक याद रहेगी, मैं दावा करता हूँ। तो देर किस बात की, जाइए और देख लीजिए और कमेंट में जरूर बताएं।